हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइन मास्टर किस तरीके से यूज किया जाता है, काइन मास्टर को किस तरीके से यूज किया जाता है और काइन मास्टर में आप वीडियो किस तरीके से एडिट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुदेव। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको काइन मास्टर को जो यानी कि 2019 का न्यू वर्जन है ये, तो इसको यानी कि आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये प्लस वाला आइकन यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है कि आप किस अनुपात में बनाना चाहते हैं, किस आकार। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि जो YouTube की वीडियो बनती है वो 16:9 करके ये बनाई जाती है इस टाइप से। तो YouTube की वीडियो के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया में जाना है। यहाँ पे मीडिया में जाने के बाद आपको कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है तो बैकग्राउंड कोई सा भी आप ले लीजिए। जैसे मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, यानी कि आपने जो नीचे या बैकग्राउंड लिया है इस बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से इसका कलर फिर से चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ पे कट का ऑप्शन है, वो बाद में हम बताते हैं आपको। और उसके बाद आपको मान लीजिए कोई इमेज वाली वीडियो बनानी है तो आप किस तरीके से उसका बना पाएंगे, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हाँ तो उसके बाद आप जैसे कि कोई बैकग्राउंड ले लीजिए, बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। जैसे कि मैं बैकग्राउंड को थोड़ा मान लीजिए 27 सेकंड के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और मान लीजिए इसमें आपको अब कोई इमेज वाली वीडियो बनानी है तो आप किस तरीके से उसको बनाएंगे, यानी कि आप देखते होंगे इमेज की वीडियो बनती है, वो घुमा फिरा के चलती है इधर उधर, तो वही आज मैं बताऊँगा। बैकग्राउंड लेने के बाद आपको यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन है, मीडिया के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद आपको अपना फ़ोटो यानी कि गैलरी में से ले लेना है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में से देखिए, ये हमारे पास इतने सारे फ़ोटोज़ हैं। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ फ़ोटो, ये वाला फ़ोटो लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से, देख रहे हैं वो आप, रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से, ये ऊपर है, और यहाँ से इसको यानी कि कोने से बड़ा भी कर सकते हैं। तो बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। अगर आप इस पर कोई एनिमेशन देना चाहते हैं, यानी कि घुमा फिरा के करना चाहते हैं उसको, कि घुमा फिरा के आए हमारे वीडियो, तो आप यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बैकग्राउंड के नीचे यहाँ जो इमेज है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको इन एनिमेशन है यहाँ पे दिख रहा होगा, इन एनिमेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई सा भी यानी कि दे देना है जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पॉप है, स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, आप जो करना चाहते हैं यहाँ से कोई कोई सा भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, इंटर स्लाइड लेफ्ट। तो चलिए मैं यही कर देता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। मान लीजिए इसी के आगे मुझे एक इमेज यहाँ पे और लगानी है तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। इसको थोड़ा सा ऐसे आप बढ़ा लीजिएगा, यहीं से इसको आप पकड़ के बढ़ा लेंगे तो बढ़ जाएगा ये। उसको लास्ट में आते हैं हम, जैसे ये इमेज ख़त्म होगा मेरा दूसरा इमेज चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करना चाहते हैं तो फिर से हम मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद स्क्रीनशॉट में आएंगे। स्क्रीनशॉट में आने के बाद हमको हमको कोई सा भी ले लेना है। तो मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ और यही हमको वहाँ पे लगाना है। तो ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी इमेज लेना चाहिए लेना चाहिएगा ले लीजिएगा उसको। उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो एनिमेशन दे सकते हैं यहाँ पे इसको भी, जैसे पॉपअप का एनिमेशन दीजिए तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप कोई सा भी एनिमेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। मान लीजिए आपने बैकग्राउंड ज़्यादा टाइम का ले लिया है, मान लीजिए मैंने 27 का ले लिया है, मेरे पास दो ही इमेज का वीडियो बनानी है और मैं इसको फिर कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे सीधे से आना है। मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में हमको क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ यानी कि जहाँ से आप कट करना चाहते हैं वहाँ पे आएंगे। उसके बाद इसे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ कलर आप चेंज करते थे, कलर के साइड में आपको ये कैंची का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कटिंग का, ये कटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप राइट से काटना चाहते हैं, लेफ्ट से काटना चाहते हैं, या बीच में से काट के कोई चीज़ डालना चाहते हैं। तो हम लेफ्ट से काटना चाहते हैं, यानी कि राइट से काटना चाहते हैं। हम राइट से काटेंगे तो ट्रिम टू राइट है, ट्रिम टू राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड का पूरा सा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कट चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए हमको, जैसे मेरा वीडियो ख़त्म होगा, यहाँ वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा यहाँ पे मुझे कोई यानी कि देना है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग या कुछ भी करना है आपको, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद सॉरी, लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे थैंक्स लिख दीजिए। थैंक्स लिखने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको घुमा फिरा सकते हैं।
छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ थैंक्स के बाद लिखूँगा, आपको जो लिखना होगा लिख लीजिएगा उसको। उसके बाद एनिमेशन देना चाहते हैं यहाँ से, एनिमेशन भी इसको आप दे सकते हैं। यहाँ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से आएगा। तो चलिए मैं स्लाइड राइट ही जो है उसको ही कर देता हूँ। उसके बाद चलिए मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं वीडियो प्ले कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए ये आया, उसके बाद मेरा ये आ गया। उसके बाद तो लास्ट में जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद थैंक्स दे देगा। तो इस तरीके से आप भी अपना वीडियो को ही क्रिएट कर सकते हैं। और मान लीजिए एक बात, और मान लीजिए इसमें आप म्यूजिक देना चाहते हैं, तो म्यूजिक किस तरीके से दिया जाता है? तो सबसे पहले आप म्यूजिक कहाँ पे देना चाहते हैं, मान लीजिए हमको म्यूजिक यहाँ से देना है, यहाँ बीच से, ठीक है? शुरुआत में हमको म्यूजिक नहीं देनी है, मान लीजिए इस इमेज से ही देना है। जहाँ से भी आपको म्यूजिक देना है वहाँ पर क्लिक करिए। शुरू से देना है तो यहाँ पर आ जाइए, यानी कि बीच से कहीं पे देना है तो बीच में चले जाइए। जहाँ पे ये रेड वाली लाइन है वहाँ तक इसको खिसका लीजिए, जहाँ से आपको म्यूजिक डालनी है, उसके बाद से म्यूजिक बजेगी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑडियो का ऑप्शन, ऑडियो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद मान लीजिए मैं कोई सा भी म्यूजिक, जैसे कि आपको फाइल से लेना है तो यहाँ से देख रहे हो फोल्डर है, फोल्डर के ऑप्शन पर आपको जाना है। डाउनलोड कोई आप म्यूजिक किए हैं तो डाउनलोड पर जाइए। तो चलिए मैं डाउनलोड से एक म्यूजिक ये लेने के बाद यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ इस म्यूजिक को। प्लस करने के बाद यहाँ पे ये म्यूजिक जैसे मेरी बड़ी है तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो इसको आप कट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको कट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे कट कर दीजिए। यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, जैसे आपको ऑडियो कटिंग करनी है तो ये जो ऑडियो कटिंग की ऑप्शन है वो नीचे है, ट्रिम और स्प्लिट, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे राइट से क्लिक करना है तो राइट से करिए, नहीं तो आपको बीच में कोई सा भी चीज़ डालना है तो डाल दीजिए। मैं राइट से करता हूँ, इसको टिक कर दिया, ये कट चुका है। अब चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आएगा ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप पूरी जानकारी पा चुके हैं कि आपको वीडियो किस तरीके से काइन मास्टर में एडिट करना है। तो देख पा रहे हैं कि मेरा ये कम्प्लीटली यानी कि वीडियो तैयार हो चुका है। उसके बाद आप अपना अगर इसको अगर उसके बाद सेव करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये शेयर का ऑप्शन है, यहाँ साइड में सेटिंग है, यानी कि ये शेयर का ऑप्शन यहाँ पे है, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मीडियम क्वालिटी रखनी है या फिर हाई क्वालिटी रखनी है, यहाँ से आप रख लीजिएगा। तो चलिए मैं अभी कुछ विशेष तो करूँगा नहीं इसमें, इसलिए इसको मैं लो क्वालिटी में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यानी कि एक्सपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट होगा आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा, उसके बाद आप इसको वहाँ से देख के आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अगर आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज तक के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।